सावन की दूसरी सोमवारी आज है। आज देख सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ के मंदिर पे जलाभिषेक के लिए लंबी लाइन लगी है। हम इस वक्त इस मंदिर पर हैं। इस मंदिर के सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की भीड़ आई है। योगेश्वर सिंह यहाँ मौजूद हैं, चूँकि उनका गांव है, उनका विधानसभा क्षेत्र है कुशौरा, और कुशौरा से सटा चितेश्वर धाम जहाँ दर्शन पूजन हो रहे हैं। वैसे आज अपार भीड़ लगी है लोगों की, दर्शनार्थियों की, महिलाओं की, पुरुष, नौजवान, सबके हाथ में बेलपत्र और जल बाबा भोलेनाथ के ऊपर चल रहा है। ये बात करते हैं योगेश्वर जी। सर दर्शन हो गया? हाँ हो गया दर्शन। तो बराबर आते हैं दर्शन? मैं तो जब भी आता हूँ तो यहाँ आता हूँ। बांसडी विधानसभा क्षेत्र का कुशौरा गाँव है मेरा, इसके करीब 1 किलोमीटर दूर चितौली बाबा चितेश्वर नाथ का मंदिर है। मैं जब भी गाँव आता हूँ तो यहाँ सबसे पहले यहीं आता हूँ, और मेरा उद्देश्य है कि इस रमणीक स्थल को एक बढ़िया ऐतिहासिक स्थल बनाया जाए, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आता हूँ। और इसकी प्रसिद्धि बहुत जगह है, पूरे जवार के लोग यहाँ कई किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस स्थान को बहुत सुंदर बनाया जाए। क्या महसूस करते हैं, होना क्या चाहिए यहाँ? ये बहुत प्राचीन मंदिर है, एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप होना चाहिए, मेरा तो मन यही है। क्योंकि यहाँ मैं बचपन से देखता हूँ कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, जवार से, बैरिया, सुलेमनपुर, सर फिर लोग पैदल पहले आया करते थे, अब तो ट्रेनों बसें हो गई हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, इसलिए इसको मैं एक पर्यटक स्थल के रूप में और एक इतिहास मतलब पुराना पर्यटक स्थल है उस रूप में डेवलप करना चाहता। अच्छा, मुख्य द्वार भी बना हुआ है, मुख्य द्वार संकेत करता है कि मंदिर के अंदर? हाँ, मैंने मुख्य द्वार इसीलिए बनवाया था कि ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। जब भी लोग चितौनी आते थे पता करते थे कि रास्ता किधर से है, तो मैंने चितौनी आने का रास्ता का मुख्य द्वार बनवाया है। चलिए, आपने सावन की दूसरी सोमवारी पे बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया, पूजन किया। वैसे भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में योगेश्वर सिंह छाए हुए हैं, जनता के बीच सीधा संवाद, जनता के बीच से जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और कोशिश हो रही है कि उसका समाधान हो। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहें हमसे। बलिया आजकल से, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।